हथवाला में गलत चकबंदी होने के चलते गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारी समस्या का हल नहीं निकाला गया तो हम आत्मदाह करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि चकबंदी के दौरान भ्रष्ट अधिकारियों ने उस समय चुनिंदा लोगों से मिलकर ये जमीन उनके नाम कर दी, जिन लोगों का हक इस जमीन पर था ही नहीं, और एक ही झटके में उनसे ये कहकर हक छीन लिया गया, जबकि इस जमीन को बोने वाले पिछड़े 150 सालों से इस पर काबिज हैं। गलत चकबंदी के में ग्रामीणों ने गांव के बस स्टैंड पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। के लिए है ना मसावर्ती कमेटी तैयार होती है गांव के मौजूद आदमियों की, भी कैसे इस गांव की चकबंदी की जाए। उसमें हमारे गांव की 42 आदमियों की कमेटी बनी थी। उसमें से जब इन्होंने स्कीम को बनाया इस गांव की, तो उस 42 में से 35-36 आदमियों ने ये एफिडेविट दे दिए कि आपने ये स्कीम गलत बनाई है जो गांव के खिलाफ है। लेकिन इन्होंने उस चीज को भी दरकिनार करके 5% लोगों से पैसे खा के स्कीम को उनके मुताबिक बना दिया और इस 90% किसानों की जमीन को उनके खाते में चढ़ा दिया और इनको सबको बेघर कर दिया। पूर्वजों की जमीन है 150-200 साल पुरानी और हमसे जबरदस्ती चकबंदी के नाम पे छीनी जा रही है, जबकि ये चकबंदी नहीं, एक षड्यंत्र है। और कुछ 5 लोग हैं गांव के, कोई ज्यादा नहीं है, और हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते और इस गांव की शांति भंग नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम जैसे अपनी जमीन को बो रहे हैं वैसे ही हमें बोने दें अपने।